अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जी। तो अब हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2, और हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लिया था कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल की एक लेयर होती है, स्लाइम होता है, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज की होती है पूरे के पूरे बैक्टीरिया को, और उसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। और बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बैक्टीरिया के पास मेटाबॉलिक मशीनरी जो हाई लेवल की यूकैरियोटिक सेल्स में होती है वो नहीं होती। मतलब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं, बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बच्चों कोई नहीं, बैक्टीरिया में गोल्जी बॉडीज भी कोई नहीं, बैक्टीरिया में गोल्जी वेसिकल्स कोई नहीं, बैक्टीरिया में बच्चों लाइसोसोम कोई नहीं, बैक्टीरिया में परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम हमारे सिलेबस का हिस्सा थे लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, इसमें कोई नहीं। तो बैक्टीरिया एक बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो भी बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें रखता है जो फिर यूकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है बच्चों वो प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेल है। कोई भी बैक्टीरिया होगा बच्चों उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं सीरीचिया कोलाई बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहता है, और इसके अलावा एक दो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन देयर विल बी अ मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हैविंग दीज फ्लैजेला। तो बच्चों देखते हैं हम फ्लैजेला क्या है। फ्लैजेला सबसे पहले एक लाइन लिखी है कि फ्लैजेला इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी बैक्टीरिया सेल आप लोगों ने देखा होगा बच्चों उस बैक्टीरिया सेल के बाहर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरिया सेल है फॉर एग्जांपल, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इट्स अ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर की तरफ है, बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर की तरफ है। तो बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से तो निकल रहा हो लेकिन वो बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा हो, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इट्स अ अपेंडेजेस। जिस तरह बच्चों हमारी जो बॉडी है ना, बेसल बॉडी बेस वो हेड से लेकर ट्रंक तक के, यानी हमारी जो हिप्स हैं इससे ऊपर और हिप्स इंक्लूड है। तो बच्चों ये सर से लेकर हिप्स तक दिस इज आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी कहलाती है इट्स अ बेसल बॉडी। क्या? इट्स अ बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी बैक्टीरिया की ये मेम्ब्रेन है। हम इसको कंसीडर करेंगे कि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होगी सबसे ही ना कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। शाबाश। तो सेल मेम्ब्रेन से बेसल बॉडी इसकी स्टार्ट होती है, तो ये फ्लैजेला भी वहीं से निकल रहे होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से निकले, बाहर सेल वॉल का सामना है, बाहर कैप्सूल की लेयर का सामना है, लेकिन ये निकलते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। तो बच्चों इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। और इसको अपेंडेजिस क्यों बोला जाता है, इस वजह से क्योंकि ये कि हमारी बॉडी से बच्चों ये बाजू निकल रहे हैं, दोनों टांगे निकल रही हैं नीचे को, तो हमारी बॉडीज में इन स्ट्रक्चर्स को भी बच्चों अपेंडेजिस बोला जाता है। तो ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ उसको अपेंडेजिस बोला जाता है। तो बैक्टीरिया में ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि फ्लैजेला आर द थिन हेयर लाइक अपेंडेजिस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है फ्लैजेला का, फ्लैजेला का फंक्शन जो बेसिक फंक्शन मेन फंक्शन है, द फंक्शन इज द मूवमेंट। इनका काम बच्चों, ये इनका फ्लैजेला का जो काम होता है ना, बेसिकली इनका काम मूवमेंट होता है, इनका काम ही मूवमेंट होता है। तो क्या बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजेला होता है, या फिर जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता वो कैसे अपना गुजारा करते होंगे? बच्चों हम
देखते हैं कि अब किस तरह से फ्लैजेला की बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला बैक्टीरिया ए ट्राइकस बैक्टीरिया, कौन सा? ए ट्राइकस। तो बच्चों ए ट्राइकस हो, मोनोट्राइकस हो, लोफोट्राइकस हो, एम्फीट्राइकस हो, पेरीट्राइकस हो, इन सबको देखने से पहले हमें एक टर्म का तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द टर्म? इज द ट्राइकोस। द ट्राइकोस बेसिकली इट इज द आउटर पार्ट, इट इज द आउटर अपेंडेजेस, इट इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सम बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों अगर बैक्टीरिया के पूरे पूरे के पूरे बैक्टीरिया के बाहर कोई फ्लैजेला ना हो, कोई फ्लैजेला ना हो, यानी ये बैक्टीरिया है बच्चों इसके बाहर कोई फ्लैजेला नहीं है, पूरे का पूरा बैक्टीरिया है नो फ्लैजेला, ए मीन नो, ट्राइकस मीन फ्लैजेला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, दीज आर कंसिडर्ड एज ए ट्राइकोस। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक, ये देखिए बच्चों ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इसके पास एक फ्लैजेला है, इट इज नोन एज द मोनोट्राइकस। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक से ज्यादा फ्लैजेला, तो उसको क्या बोला जाए? जैसे बच्चों ये बैक्टीरिया है, इसके पास एक से ज्यादा बैक्टीरिया है, फ्लैजेला है, एक से ज्यादा फ्लैजेला है, इसको बोलोगे लोफो बच्चों, इसको बोलोगे टफ्ट। टफ्ट, टफ्ट पता किसको बोलते हैं बच्चों? गुच्छे को। तो जिस बैक्टीरिया के पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो, यानी फ्लैजेला का गुच्छा हो, एक फ्लैजेला नहीं काफी सारे फ्लैजेला हो, और दूसरी बात बच्चों को सारे के सारे फ्लैजेला एक पॉइंट से निकल रहे हो, एक पॉइंट से, आपकी बुक में पता क्या लिखा हुआ है? दीज टफ्ट ऑफ फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द वन पोल ऑफ द सेल, वन पोल यानी कि बैक्टीरिया का एक हिस्सा, और एक हिस्से की तरफ से काफी सारे फ्लैजेला निकल रहे हो, तो इसको क्या बोला जाता है? इट्स अ लोफोट्राइकस। तो अब अगर ऐसे बैक्टीरिया जो हमने देखे हैं उनके दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, देयर विल बी अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, पांच फ्लैजेला इधर और काफी सारे इधर, ये ड्रा नहीं की जा सकती कितने। तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिनमें दोनों पोल्स पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, उनको नाम दिया जाता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब इसके टू पोल्स पर दोनों तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, गुच्छा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया बच्चों जिनकी पूरी की पूरी सेल वॉल, जिनकी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ही फ्लैजेला से ढपी हो, ये देखिए ये सारे के सारे फ्लैजेला बच्चों, सारे के सारे फ्लैजेला, सारे के सारे फ्लैजेला, ऑल फ्लैजेला इज द प्रेजेंट। तो बच्चों हर जगह ही फ्लैजेला मौजूद हो, इनको बोला जाता है दीज आर द पेरीट्राइकस। और इसमें बच्चों एमसीक्यू मैक्सिमम बनते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम बताओ, ये टर्म क्या यूज होगी जिसमें एक, जिसमें फ्लैजेला होता ही नहीं, वो ए ट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें एक होता है वो मोनोट्राइकस, जिसमें काफी सारे होते हैं लेकिन सिर्फ एक साइड पर होते हैं उसको लोफोट्राइकस, जिसमें काफी सारे होते हैं दोनों साइडों पर होते हैं बच्चों वो एम्फीट्राइकस, और जिसमें काफी सारे होते हैं पूरे के पूरे बैक्टीरिया में होते हैं, दिस इज द पेरीट्राइकस। शाबाश। नाउ वी मूव टू द कीमोटैक्सिस। बच्चों कीमोटैक्सिस इज नॉट एनी डिफरेंट थिंग, ये कोई अलहदा चीज नहीं है। आपकी बुक में फ्लैजेला और फ्लैजेला एंड देयर फंक्शन का हेडिंग लिखा हुआ है कि फ्लैजेला और उसका फंक्शन, तो बच्चों बेसिकली दिस कीमोटैक्टिक, दिस कीमोटैक्सिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्लैजेला, दिस टर्म इज यूज फॉर द फंक्शन। बच्चों ये फ्लैजेला का जो फंक्शन होगा उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। तो कीमोटैक्सिस अपने अंदर एक वर्ड को छुपाए हुए, उसको देखते हैं। बच्चों ये देखो कीमो फ्रॉम केमिकल, सॉरी, और टैक्सिस, ये टैक्सिस बच्चों आप लोगों ने टैक्सी देखी होगी, इस टैक्सी का काम क्या होता है? पैसेंजर को मूवमेंट करवाना,
एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो कीमोटैक्सिस यानी केमिकल की वजह से बैक्टीरिया की मूवमेंट, बच्चों इट्स अ कीमोटैक्सिस, नहीं समझे, कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल। तो बच्चों ये कीमोटैक्सिस है। अब फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ केमिकल्स बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे वाटर केमिकल है, नाइट्रोजन केमिकल है, बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, यूजफुल है। तो बच्चों यही कीमोटैक्सिस, यही मूवमेंट जो किसी कैमल की केमिकल की वजह से उसकी तरफ हो, ये फिर भी कीमोटैक्सिस है। और बच्चों यही मूवमेंट अगर किसी केमिकल को हार्मफुल जाने और वहाँ से अवे हो जाए तो ये भी कीमोटैक्सिस है। तो बैक्टीरिया का केमिकल सिग्नल्स जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उनको रिस्पॉन्स करना, किस सूरत में रिस्पॉन्स करना, कि अपनी मूवमेंट कर जाना, इट्स अ कीमोटैक्सिस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बच्चों ये बारहा मरतबा आ चुका है, व्हाट इज कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल इज नोन एज द कीमोटैक्सिस। अब बच्चों दूसरे नंबर पर आ गया है जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों दो हैं, एक पिल्ली, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स से इट्स पिल्ली, बच्चों पाइलाई इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो पाइलाई है क्या और इसका फंक्शन क्या है? तो बच्चों पाइलाई, अगर आप बैक्टीरिया देखो, ये बैक्टीरिया देखो, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के ऊपर छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन होती हैं, इसको आप लोग पिल्लस बोलते हो। अगर ये सारी की सारी को कंसीडर किया जाए तो ये पाइलाई यानी कि प्लूरल में पाइलाई इसको बोला जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है या स्ट्रक्चर कैसा है? पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये हॉलो होती हैं यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। बच्चों जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है, इसको खोलो और ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक गैप सा है, होलो है। तो ये बिल्कुल इसी तरह की होलो स्ट्रक्चर होती है और ये सीधी ट्यूब्यूलर होती है यानी कि स्पाइरल नहीं होती, जिस तरह ये फ्लेजेला है। कोई भी फ्लेजेला देखोगे तो ये फ्लेजेला सीधा नहीं होगा, तो ये सीधी होती है और बैक्टीरियल के ऊपर की तरफ स्ट्रेट और ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये क्यों होता है और इसका फंक्शन क्या है? तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द पाइलाई। तो बच्चों फंक्शन ऑफ पाइलाई में सबसे जो इसका मेजर फंक्शन है ना, वो इसका मेटिंग प्रोसेस में है। किसमें? मेटिंग प्रोसेस में। तो मेटिंग प्रोसेस में इसका मेन फंक्शन जो है, अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि पाइलाई का फंक्शन क्या है, तो बच्चों इट्स इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के मेटिंग प्रोसेस में, हाँ दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो बच्चों इसका फंक्शन होता है इट्स हेल्प इन द अटैचमेंट। यानी कोई भी बैक्टीरिया होगा, बच्चों बैक्टीरिया किसी सरफेस पे अटैच होंगे तो वो इस पाइलाई की मदद से होंगे। क्यों? क्योंकि दीज पिलर्स, दीज पाइलाइज आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, बच्चों प्रोटीन से बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है पाइलाइन प्रोटीन। ये पाइलाइन प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है। तो ये इससे बने होते हैं, तो ये छोटे फंक्शन थे। तो बच्चों आगे सेल इन्वेलप है। सेल इन्वेलप बैक्टीरिया के बाहर कोई आम सी चीज़ नहीं। मैंने आपको बताया था कि बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल। तो ये अगर हम देखें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, इसकी ये जो ग्रीन वाली लेयर है इट्स अ सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लैक वाली चीज है इट्स अ सेल वॉल। तो ये बच्चों सेल वॉल। अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया के पास इन दोनों चीजों के अलावा बच्चों एक और चीज होती है, आउटर लेयर होती है। ये देखिए आउटर लेयर, आउटर लेयर बच्चों इस तरह से इसके बॉडी के बाहर होती है। अ थर्ड लेयर इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया। तो अगर ये थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर बच्चों, ये बाहरी वाली लेयर और ये सेल वाल, अगर इनके दरमियान फासला हो
और फासला हो, फासले से मुराद पता यहाँ पर क्या है बच्चों, कि ये बाहर वाली वाल इस सेल वाल के साथ, ये सेल वाल है, अगर ये इसके साथ लूजली अटैच हो, लूजली अटैच हो, तो बताएं बच्चों हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा था, सोचे कैप्सूल पढ़ा था कि स्लाइम पढ़ा था। अगर सेल वाल के बाहर एक लेयर हो और बच्चों को लूजली अटैच हो, टाइटली ना हो, तो हम उसको स्लाइम पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? स्लाइम। तो ये लेयर एक है बच्चों, नाम दो है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, आइदर इट विल बी टाइटली अटैच और लूजली अटैच। तो बच्चों अगर ये बाहर वाली लेयर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर ये बाहर वाली लेयर टाइटली अटैच हो, टाइटली अटैच हो, तो इसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर यही लूजली अटैच हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम बोलेंगे। जैसे अभी अभी ये हमें स्लाइम की शक्ल में दिख रही है, लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, आप लोगों ने बस कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। अगर ये ऐसा हो जाए बच्चों, देखें जरा इस छोटे से रीजन में आप देख सकते हो कि ये बाहर वाली लेयर थिक है, मोटी है, और ये सेल वाल के साथ चिपटी हुई है, टाइटली अटैच है, तो इस कंडीशन में यही लेयर बच्चों कैप्सूल कहलाएगी। और ये कैप्सूल बना किस चीज का? इट्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के रिपीटिंग यूनिट से बना होता है ये स्ट्रक्चर, इसका कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बना होता है। और स्लाइम बच्चों है तो लेयर एक ही, तो स्लाइम भी इसी चीज की बनी होती है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने बुक से एक एक लाइन में ये लिखा हुआ है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो अब हम सेल वाल की तरफ बच्चों मूव करेंगे। बच्चों ग्रैन्यूल्स और स्लाइम के बाद, बेसिकली कैप्सूल और स्लाइम के बाद जो हमारा हिस्सा है लेक्चर का, वो आता है सेल वॉल, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी सेल वॉल को नहीं डिस्कस कर रहे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन इसी लेक्चर में हम थोड़ा देखेंगे, इससे आगे चल के फिर हमारा सेल वॉल रह जाएगी, उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर मैं अलहदा से एक लेक्चर कोट करूँगा। और कुछ ऑर्गेनल्स जो रह जाएंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के, वो हम उसमें पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन हर बैक्टीरिया के बाहर मौजूद है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया के बाहर सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, उसको देखो। बच्चों सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन सबसे पहले, ये तो सेल वाल के इनसाइड मौजूद होती है, दूसरे नंबर पर ये डेलिकेट इन नेचर है, यानी कि बहुत नाजुक होती है, थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन इन्वायरमेंट में आए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्टीरियल एब्सेंट होता है। मैंने आप लोगों को बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम था कोलेस्ट्रोल, और कोलेस्ट्रोल बेसिकली ये मेंबर है स्टीरोल फैमिली का। तो सिंपल वर्ड्स में बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में बच्चों कोलेस्ट्रोल नहीं होता। और कोलेस्ट्रोल का फंक्शन भला क्या था, सोचो बच्चों, कोलेस्ट्रोल का फंक्शन था कि ये मेम्ब्रेन को सख्त रखता है, क्या सख्त रखता है, मेम्ब्रेन को वहाँ पर टर्जिडिटी पॉइंट करता है कि सेल की शेप बरकरार रहे। अब बैक्टीरिया में बच्चों ये क्यों नहीं है, अगर ये नहीं है तो बैक्टीरिया की शेप किस वजह से बरकरार रहती है, सोचें। तो आपके जहन में आया होगा सेल वाल, तो बैक्टीरिया में सेल वाल है तो वो उसकी शेप को बरकरार रखने में मदद देती है, ये ना हो तो बच्चों इसके अलावा क्या क्या एक्सेप्शन है।
बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स करती है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स को आने जाने के लिए, शुगर्स को, आयंस को, मेटाबोलाइट्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि मेम्ब्रेन इज द सेमी परमिएबल, अलाउ टू समथिंग मूव और समथिंग नॉट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा बच्चों एक्सेप्शन क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन में बच्चों रेस्पिरेटरी मेटाबोलिज्म करने वाले एंजाइम्स मौजूद हैं। अब बताएं यूकेरियोटिक सेल में थे? बिल्कुल भी नहीं थे। यूकेरियोटिक सेल में बच्चों सेल के बाहर मेटाबॉलिक एंजाइम्स या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं थे। यूकेरियोटिक सेल में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं जहाँ पर एनर्जी पैदा होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों कोई नहीं। तो इसी वजह से इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी ना, ये मेम्ब्रेन होगी, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन बच्चों, इसी में ही एंजाइम्स मौजूद होंगे। ये देखिए ब्लैक शॉट एंजाइम, तो इसमें बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन, इसी के बाहर क्या होंगे, एंजाइम्स पड़े होंगे जो क्या करेंगे, जो बच्चों रेस्पिरेटरी या बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म, यानी कि सारे के सारे बैक्टीरिया के जो रिएक्शंस हैं बच्चों, वो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन थी। अब हम देखेंगे बच्चों साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हिस्सा होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बच्चों जो हिस्सा है इट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, इसमें क्या क्या मौजूद है? और बच्चों साइटोप्लाज्म इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं, पहले भी आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई नहीं, लाइसोसोम कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं इसमें सिवाय दो चीज़ों के बच्चों, या तो इसके अंदर राइबोसोम्स हैं या इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है। और आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें कुछ ग्रैनुलर बॉडीज़ होती हैं, ग्रैनुलर बॉडी दानेदार बॉडीज़ होती हैं जो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स के साथ साथ बना ली हैं और वो इनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रही होती हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइज कोई नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई नहीं, और साइटोस्केलेटन जो सेल को स्ट्रक्चर परफॉर्म करे वो भी कोई। तो बच्चों दो चीज़ें आप लोगों ने ये सीखनी है यहाँ पे, एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और एक प्रोटोप्लास्ट। तो बैक्टीरिया के अंदर ये मेम्ब्रेन से लेकर बच्चों, ये मेम्ब्रेन से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये सारे का सारा हिस्सा, यानी न्यूक्लियस ऐड नहीं करना, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, डीएनए ऐड नहीं करना, मेम्ब्रेन ऐड नहीं करनी, न्यूक्लियोइड ऐड नहीं करना, मेम्ब्रेन ऐड नहीं करनी, तो ये सारे का सारा हिस्सा इज कंसिडर्ड एज इट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और अब दूसरी कंडीशन पे आओ, मेम्ब्रेन को भी ऐड करो, इस न्यूक्लियोइड को भी ऐड करो, यानी डीएनए को भी ऐड करो, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को भी बच्चों ऐड करो, इट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। तो अब आपके जहन में आया होगा प्रोटोप्लाज्म वाला बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो कुछ सेल में मौजूद है, हम उसमें पढ़ते थे इट्स अ प्रोटोप्लाज्म, तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट, बस इतनी चीज का डिफरेंस है। उसके बाद बच्चों डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो बच्चों इंपॉर्टेंट हों और दूसरे सेल्स में नहीं हों। तो इनमें ग्रेन्यूल्स, मिसोसोम्स और न्यूक्लियॉइड्स बच्चों, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उसमें नहीं होते, इनमें होते हैं। तो इनमें रह के ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। उसके बाद जो हमारी चीज़ है वो है न्यूक्लियॉइड। बच्चों बैक्टीरिया का डीएनए, डीएनए बैक्टीरिया का बच्चों क्रोमाटिन मटीरियल, बैक्टीरिया का बच्चों ये लफ्ज लिखा हुआ है न्यूक्लियॉइड, बैक्टीरिया के अंदर बच्चों न्यूक्लियो मटेरियल, ये सारे के सारे मटेरियल्स रेफर्स टू वन थिंग, इट्स द बैक्टीरियल डीएनए। तो ये बैक्टीरियल डीएनए है बेसिकली न्यूक्लियर। तो बैक्टीरियल डीएनए है किस तरह का, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल है यानी कि 46 क्रोमोसोम हम में है ना, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ही एक है डीएनए का, तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, और क्रोमोसोम तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और वो भी बच्चों सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। लाइक इस तरह से बच्चों ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये देखें
इट्स अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और बच्चों इसमें डीएनए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो बुक्स होती है ना बायोलॉजी की, उसकी बुक्स के बाहर डीएनए की स्ट्रक्चर डरा हुआ होता है इस तरह का, इस तरह का बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर डरा हुआ होता है। ये डीएनए का बेसिकली स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर पाया जाता है, डीएनए इंसान का डीएनए। वो जरा सीधा होता है, लेकिन बैक्टीरिया में यही डीएनए बच्चों रोटेट हो जाता है, गोल हो जाता है, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन याद रखना है, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये स्ट्रैंड नंबर वन बच्चों, ये स्ट्रैंड नंबर टू। तो एक मॉलिक्यूल सिंगल और सर्कल की फॉर्म में है, सर्कुलर, और मॉलिक्यूल एक है लेकिन स्ट्रैंड्स दो हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और बच्चों ये बैक्टीरियल सेल के अमूमन सेंटर में होता है। किधर होता है, लोकेशन इसकी क्या है कि ये अमूमन देखें इधर से भी इतना फासला है, इधर से भी, ये बेसिकली ये बैक्टीरिया के सेंटर में मौजूद होता है। और बच्चों अब बैक्टीरिया में जब दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, तो बैक्टीरिया में डिप्लॉयड यानी 2n वाला सीन है ही नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं। होमोलोगस से मुराद यानी कि दो एक जैसे क्रोमोसोम। तो बच्चों जब बैक्टीरिया में क्रोमोसोम ही एक है तो वो किसके जैसा होगा, किसी के जैसा नहीं, वो है ही एक। तो इसलिए यहाँ पर डिप्लॉयड है ही नहीं। याद रखना एमसीक्यूज में बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कभी डिप्लॉयड होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज बी हैप्लॉयड। तो लास्ट पे बच्चों प्लास्मिड है, प्लास्मिड एक नई चीज है बच्चों। हर सेल में, हमारे सेल में, बैक्टीरिया सेल में, फंजाई सेल में क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया में अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा यानी कि डीएनए के अलावा या ये न्यूक्लियाइड है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट भी होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट भी होती है, इस तरह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, इसको बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, इट्स अ प्लास्मिड। तो प्लास्मिड की डेफिनेशन, प्लास्मिड इज द सेल्फ रेप्लीकेटिंग, जो खुद ब खुद, सेल्फ का मतलब खुद, रेप्लीकेटिंग का बच्चों मतलब होता है कॉपीज बनाना। ये हमारा बेसिकली सेकंड ईयर का टॉपिक है। रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपियां बनाना, खुद ब खुद कॉपियां। जैसे क्रोमोसोम है ना, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ये अपनी कॉपी बनाता है। जब एक बैक्टीरिया से दो बनते हैं तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी दो हो जाते हैं, एक इस सेल में चला जाता है, एक इस सेल में चला जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेट, खुद ब खुद कॉपियां बनाना। तो जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के अंदर ये इसका डीएनए कॉपियां बनाता है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड बच्चों है ये डीएनए, लेकिन एक्स्ट्रा होता है, बैक्टीरिया के लिए कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता ज़्यादा। तो ये प्लाज्मिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये भी कॉपियां बनाता है, समझ आई। तो बच्चों ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए होता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये डेफिनेशन। तो इसका काम क्या है बच्चों, ये एक चीज याद रखना, बैक्टीरियल के ग्रोथ में, बैक्टीरियल के बॉडी फंक्शंस में कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इसका एक फंक्शन बहुत बड़ा है बच्चों। क्या ये प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, किसके तौर पर, वेक्टर। बच्चों वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, स्पेस कम है बच्चों लेकिन समझना। ये प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर बच्चों किसी चीज के कैरियर को बोलते हैं, किसी चीज को उठाया हो, जैसे आप लोगों ने बच्चों 5 किलो माल्टे उठाए हो, ठीक है, वो आप बेसिकली क्या हो, कैरियर। तो हम साइंटिफिक टर्म में बच्चों कैरियर को क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट्स नाउन एज अ वेक्टर या फिर कैरियर। ये किस चीज को कैरी करता है, आप लोगों ने बच्चों एक टेक्निक पढ़ी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में हमने पढ़ा था कि हम अपनी मर्जी से किसी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बच्चों ये वेक्टर्स जो प्लाज्मिड में मौजूद हैं, इन वेक्टर्स की मदद से हम बच्चों जीन्स लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से,
दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर इन्वेक्टर में डालते हैं, इन्वेक्टर में जीन डाल के हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में किसी को शुगर है तो हम इंसुलिन लेते हैं इंसान के सेल से, इंसुलिन लेके इस वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। बच्चों बिल्कुल इस तरह, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम काटते हैं, काटने के बाद इसमें हम इंसुलिन का जीन लगाते हैं, इस तरह से इंसुलिन का जीन, और जब इंसुलिन का जीन लग जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी कॉपियाँ बनती हैं, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, दैट इज द प्लाज्मा, दैट इज द प्लाज्मा। तो बच्चों ये एक और चीज़, इसके पास जीन होते हैं रेजिस्टेंस के लिए, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, अगर नज़ला हो जाए ना बच्चों, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब हम लोग लेते हैं मेडिसिन, उस मेडिसिन जब उसके अंदर गई बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया मरता नहीं है बल्कि बैक्टीरिया उसके खिलाफ लड़ता है। तो उसके खिलाफ जो लड़ना है बच्चों, वो भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड लगता है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास जीन होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी बच्चों कवर होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट 3rd लेक्चर में, और 3rd लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल को ही डिस्कस करना है। इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स रह गए हैं और एक सेल वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रह गई है, वो हमने डिस्कस करके इंशाल्लाह इस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को कम्प्लीट कर लेना है। अस्सलामुअलैकुम।